Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography, and today we are discussing chapter number 3 and the chapter name is mineral and power resources. This is your 7th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज और ये आपका 7th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. ओके सो बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, वी टॉक्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, राइट. उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का केस स्टडी किया और देखा कि ये सारे मिनरल्स, ये जो मिनरल्स है, वेयर आर दे फाउंड इन आर कंट्री इंडिया. तो उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था आयरन, देन बॉक्साइट, माइका, मैग्नीज, लाइमस्टोन, गोल्ड, सॉल्ट. तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है बच्चों, जो आपको इंडिया में मिलेंगे, ये सारे डिपॉजिट्स या फिर जितने भी आपके माइंस हैं, फॉर एग्जांपल आयरन माइंस, कॉपर माइंस, माइका माइंस, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिलेंगे. लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, आपके लिए सिंपल क्या होगा याद रखना, कि कुछ कुछ एरियाज जो थे बच्चों वो आपको हर जगह कॉमन दिख रहा था. फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ की बात कर लो या फिर झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये आपके मेजर रीजन है बच्चों, जहाँ पे आपको आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, ये सारी चीजें, ये जितने भी आपके मिनरल डिपॉजिट्स हैं, ये आपको इस रीजन में मिलेगा, है ना. और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप मैप में ये सारे रीजन्स को लोकेट करो, देखो कहाँ पे कौन कौन से माइंस लोकेटेड है. उसके अलावा आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा था अबाउट सॉल्ट, जो आप लोग डे टू डे ये कॉमन सॉल्ट जो हमारा होता है, जो हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं, दैट इज द टेस्ट मेकर, वो भी एक तरह का मिनरल है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम दी सीज एंड लेक्स, राइट. तो वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना. तो अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द यूजेस ऑफ मिनरल्स, कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया दैट व्हाट आर मिनरल्स, द टाइप्स ऑफ मिनरल्स, जो मेटालिक मिनरल्स हैं, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, फिर कहाँ कहाँ ये पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपको ये डिफरेंट मिनरल डिपॉजिट्स मिलेंगे. लेकिन ये मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 3 प्रोसेसेस भी पढ़ा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स का. पहला था आपका माइनिंग, दूसरा ड्रिलिंग और तीसरा क्वेरी. तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिनरल्स, बेसिकली व्हाई आर वी एक्सट्रैक्टिंग दीज मिनरल्स, द मिनरल्स दैट आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस लाइक एयर, वाटर, सॉइल, जो आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, है ना. तो वहां पे आप लोगों को एयर का पता है यूज क्या होता है, वाटर का यूज आप लोगों को पता है, सॉइल का भी पता है. आज हम लोग समझने वाले हैं मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स के कौन कौन से यूजेस हैं. ओके सो मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज. तो आज की डेट पे आप देखो मिनरल्स जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, देन कॉपर इंडस्ट्रीज, देन निकल, ऐसे बहुत सारे जितने भी आपके मिनरल्स है बच्चों, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है उसको वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. और कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इन मिनरल्स के थ्रू, ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ. ओके सो मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड. तो देखो बच्चों, आप लोगों ने गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, इन सब के बारे में पढ़ा है. तो अगर हम लोग गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इनसे हम लोग या तो जेमस्टोन्स बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, या फिर अगर हम लोग गोल्ड, प्लैटिनम की बात कर रहे हैं या डायमंड की भी बात कर रहे हैं, तो उससे हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, है ना. तो आप देखो कि ये सारे प्रेशियस स्टोन्स तो जो होते हैं बच्चों, इनसे ज्वेलरी बनाए जाते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द मेन यूजेस ऑफ मिनरल्स, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट दीज इम्पोर्टेंट जेम्स. जैसे यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाया है ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट जेमस्टोन्स. इसमें से कुछ जेमस्टोन्स है बच्चों जो ऑलरेडी, मतलब बेसिकली वो रॉक के फॉर्म में, और कुछ जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं. ओके तो यहाँ पे आप देखो एग्जाम्पल में, जैसे डायमंड, देन एमराल्ड, देन रूबी. तो आप देख सकते हो कि डायमंड, एमराल्ड, रूबी, इन सबसे आप ज्वेलरी बना सकते हो, रिंग्स बनते हैं या फिर नेक पीस बनते हैं. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि एक तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं अबाउट दी यूजेस ऑफ मिनरल्स फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइंस टू पाइप्स. तो बच्चों एंशियंट टाइम में, जब हम लोग मिडिवल टाइम की बात कर रहे हैं बेसिकली, या आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि पहले कॉपर कॉइंस यूज होता था. अब वो कॉइंस कैसे बनते थे, ऑब्वियसली कॉपर से ही बनते थे, मिंटिंग ऑफ कॉपर. सो बेसिकली आप देखो कॉपर जो है कॉइंस में भी यूज होता है, कॉपर के पाइप्स भी बनते हैं. आज के डेट में ऐसे बहुत कॉपर वायर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं
जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जो इन मिनरल्स से हम लोग बनाते हैं, ओके, जो भी मिनरल्स जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, तो उनके थ्रू जो भी हम आजकल के डेली लाइफ में ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये पिक्चर दिखाया है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर पाइप। तो वाटर पाइप में आप देखो कॉपर को भी यूज किया जाता है, राइट। अगर हम लोग ब्रोंज की बात करें तो बहुत सारे आपको ब्रोंज स्टैचूज मिलेंगे, तो वो ब्रोंज है जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में उसको यूज किया जाता है। वॉच आप देख लो, वॉच में भी मिनरल का यूज होता है। जब लाइमस्टोन के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो ये जो बैग ऑफ प्लास्टर है, इसमें बेसिकली लाइमस्टोन भी मिलाया जाता है, ओके। अगर हम किचन फॉइल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल है, वो आपको किचन में जो भी आप यूज करते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आज के डेट में हम यूज करते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रास का देखो यूज कहाँ पे है, ब्रास के लॉक्स बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी चीजें आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, ये आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो। नाउ यू कैन सी दैट व्हाई आर मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इन्हीं मिनरल्स के थ्रू जिसका जो ओर्स हम निकालते हैं, राइट, तो उनका जो रॉ फॉर्म निकलता है, उसके बाद उनको रिफाइन किया जाता है ना। अब उसके बाद फाइनली हम इनको, जो इनका मेन फॉर्म होता है, उसके बाद हम लोग इससे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे पेंसिल में आप देखोगे कि पेंसिल जो जिससे आप लिखते हो, उसमें ग्रेफाइट यूज होता है, दैट इज अगेन वन अनदर टाइप ऑफ मिनरल हियर, ओके। आप लोगों ने सॉल्ट के बारे में पढ़ा, दैट इज द टेबल सॉल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कार की जो बैटरी होती है बच्चों, उसमें भी मिनरल यूज किया जाता है। टूथपेस्ट, या फिर हम लोग स्टील नाइफ की जो बात करते हैं, उसमें भी मिनरल्स यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप देखो, डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स जिसके बारे में भी आपने पढ़ा है, वो इन सारी चीजों, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वहां पे आप देख सकते हो कि मिनरल्स का यूज होता है, एंड दैट इज व्हाई मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन ग्रेट अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्डिंग मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर, राइट, कॉपर पाइप, या फिर ग्लास विंडोज जो ग्लास के थ्रू मिलता है, या फिर स्टेनलेस स्टील के जो आपके टैप्स होते हैं, फॉसेट्स होते हैं बच्चों, ब्रिक्स जो होते हैं, पेंट जो यूज होता है, या फिर ड्राइवॉल जो यूज होता है बच्चों, ये जितने भी आपके बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, इसमें भी आप देखोगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स को ही यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, ग्लास हो गया, ब्रास हो गया, या फिर पेंट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स यूज होते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप बिल्डिंग मटेरियल्स में क्या कह सकते हो कि हम लोग मिनरल्स के लिए, सॉरी, मिनरल्स को हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स में भी यूज करते हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिलिकन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज। सो क्वार्ट्ज इज अगेन अनदर टाइप ऑफ मिनरल जिससे हम लोग सिलिकन ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट इज यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट्स में आप देखोगे बेसिकली कि सिलिकन को भी यूज किया जाता है। तो आप कंप्यूटर ये सब में भी यूज करोगे, तो आप लोग देखोगे कि सिलिकन जो आपका बैटरी होता है बच्चों, उसमें ये सिलिकन बेसिकली यूज किया जाता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज व्हिच इज अ मिनरल हियर, ओके। नाउ एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर, दैट इज बॉक्साइट, इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर। सो आप देखो एल्यूमिनियम को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब ये कौन से बेसिक ओर से इसे निकालते हैं बच्चों? नाउ दिस इज बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का बेसिक ओर आपका एक देखो बॉक्साइट है, ओके। अब इसको हम लोग ऑटोमोबाइल्स या फिर एरोप्लेन्स में यूज किया जाता है। तो बेसिकली आप ऑटोमोबाइल्स देखोगे, जैसे कार्स हो गया, बाइसिकल्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, तो इनका जो बॉडी पार्ट है बच्चों, वो एल्यूमिनियम के यूज से ही बनता है। उसके अलावा एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन्स में भी आप देखोगे जो भी इनका बॉडी पार्ट होता है, वो हम लोग एल्यूमिनियम से बनाते हैं। बॉटलिंग इंडस्ट्री, तो जो भी आप बॉटल्स भी देखते हो, कैंस देखते हो बच्चों, वो भी एल्यूमिनियम के यूज से बनता है। उसके अलावा बिल्डिंग्स में भी आप देखोगे एल्यूमिनियम का यूज होता है। किचन वेयर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, ये सारे आपके किचन यूटेंसिल्स है ना। अब ये जितने भी किचन यूटेंसिल्स है बच्चों, ये किससे बना है? एल्यूमिनियम से बना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स को कैसे यूज किया जाता है, उनका जो बेसिक और जो फॉर्म है, रॉ फॉर्म है, उसको निकाला जाता है, उसको फिर एक अच्छे फॉर्म में बनाया जाता है, और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो बॉटल टॉप्स, सॉस पैन, कैंस, एयरक्राफ्ट, पावर लाइन्स भी आप जो देखोगे आपके घर के पास, बहुत सारे पावर लाइन्स भी आपको नजर आते हैं। उसके अलावा पावर ग्रिड्स भी जो होते हैं बच्चों, वो भी एल्यूमिनियम से बनता है, राइट। बाइसिकल्स, ट्यूब ट्रेन्स, फॉइल, लैडर, तो आप देख सकते हो ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, ओके। अगेन यहाँ पे आप देखो दैट क्वार्ट्ज, जो अगेन अनदर टाइप ऑफ मिनरल, दैट इज, दैट मेक्स ग्लास, ओके।
फ्लावर वर्सेज जो होते हैं बच्चों इसी के थ्रू बनाए जाते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर वर्स जो होते हैं, डायमंड्स दे मेक ज्वेलरी जो मैंने आपको बता दिया है, ऑल्सो मेनी थिंग्स दैट वी सी एंड यूज एवरी डे आर मेड फॉर आयरन। तो आयरन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। तो आज के डेट पे आप बहुत सारी चीजें रेलवे लाइंस देख लो या आयरन जो आप यूज करते हो घर पे, प्रेसिंग आयरन जो होता है बच्चों, तो इन सारी चीजों में भी आप देखोगे कि मिनरल्स को यूज किया जाता है। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ सिलिकन। ओके, यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली आपको ये कंप्यूटर में मिलेगा जिसमें आप देखोगे कि जो भी मदरबोर्ड होता है बच्चों, ये सारी चीजें जो आप बैटरी ये सब देखते हो, ये सिलिकन से ही बना होता है। Okay, now these are some of the important points that you have to remember while we are talking about the uses of minerals, jewelry बनाने के लिए, building materials के लिए, या फिर day to day objects आप देख लो, आज के date पे हम जो भी objects use करते हैं, उसमें हम different different minerals को ही use करते हैं। Now these are some of the uses of minerals, right? Now you can see that how minerals are important for us, like air, water, soil, minerals जो natural resources हैं, वो हमारे लिए कितना important है, and that is why we need to conserve this mineral. Okay, so conservation of minerals is again the last topic of this, your first topic, that is mineral resources. So minerals are a non-renewable resource. तो बच्चों आप लोगों ने non-renewable resource के बारे में first chapter में ही पढ़ा था। Now what are non-renewable resource? Obviously the resources that cannot be renewed, मतलब जिसको हम लोग फिर से renew नहीं कर सकते हैं, है ना, इसीलिए हमारे earth surface पे जितने भी limited quantity में present है हम उतना ही use कर सकते हैं। Therefore हमें बहुत ही अच्छे से use करना होगा, हमें conserve करके minerals को रखना होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने uses of minerals के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि day to day life में different different objects बनाने के लिए हम लोग minerals को use करते हैं, and that is why minerals are really important for us, and therefore we have to conserve the minerals that is present on the earth surface. Also it takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. तो जैसे बच्चों आप लोगों ने रॉक फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है, अब इन्हीं रॉक्स में से हम लोग मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालते हैं, है ना, जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था। अब आप देख सकते हो कि रॉक फॉर्मेशन में बहुत ही प्रॉपर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, वैसे ही मिनरल्स को भी फॉर्म होने में इट टेक्स ऑलमोस्ट 1000 years। अब आप सोचो कि 1000 years तक मान लो अगर हम बहुत ही ज्यादा मिनरल्स एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो मान लो एक टाइम होगा जब मिनरल्स हमारे अर्थ सर्फेस पे रहेंगे नहीं, तो क्या कोई 1000 years वेट कर सकता है? क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आप मिनरल्स के थ्रू बना सकते हैं हम लोग, तो उनके लिए हमें मिनरल्स का जरूरत होगा, है ना। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज ऑल्सो। नाउ हाउ कैन वी डू दैट? So basically, the rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. तो आज के डेट पे आप देखोगे बच्चों कि minerals को बहुत ही ज्यादा extract किया जा रहा है, चाहे वो natural gas हो, oil हो, या petroleum हो, या फिर आपके iron ores हो, copper ores हो, तो ores हो। So basically, इन सारे minerals को हम लोग बहुत ही ज्यादा extract कर रहे हैं, right? So therefore, the rate of formation is much smaller than the rate of extraction. हम लोग कह सकते हैं ना कि मतलब बेसिकली जिस रेट पे ये मिनरल्स फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज इट टेक्स 1000 years टू फॉर्म मिनरल्स, तो बेसिकली हम लोग उतने टाइम में तो उससे ज्यादा मिनरल्स यूज कर ले रहे हैं। सो देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ दीज मिनरल्स, है ना। सो इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं? पहला पॉइंट है दैट इट इज नेसेसरी फॉर अस टू रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो आप लोगों ने ये माइनिंग का प्रोसेस देखा था थ्रू विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, तो उसमें जो एक नेसेसरी वेस्ट किया जाता है बच्चों, एक बहुत सारे वेस्टेज होते हैं, चाहे वो लैंड का हो, चाहे वो रिवर या लेक, जो भी वहां पे आपके नेचुरल चीजें मौजूद हो, या फिर जो मशीन्स यूज हो रहे हैं, और बहुत सारे मिनरल्स इस प्रोसेस में वेस्ट भी होता है ना। तो बेसिकली हमें इनको रिड्यूस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये पूरा एरिया, ये क्या दिखा रहा है, ये पूरा एक माइन का एरिया है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा एरिया वेस्ट हो चुका है, राइट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोसेस इन दिस प्रोसेस ऑफ माइनिंग पूरा एरिया बहुत ही ज्यादा वेस्ट होता है, एंड देयरफॉर वी हैव टू रिड्यूस दैट वेस्टेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। तो हम लोगों ने क्या देखा था, दैट मेटल इज अ हार्ड सब्सटेंस, राइट, एंड बेसिकली इन मेटल्स के थ्रू ही आप देख सकते हो कि मिनरल्स जो है इन मेटल्स के थ्रू ही मिलते हैं, है ना। सो कुछ कुछ मिनरल्स में मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटालिक मिनरल्स जो है आपके, सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिसाइकल दोज मिनरल्स। तो आप लोगों ने बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों ने देखा
सीखा था दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रियूज और रिसाइकल. तो ये चीज हमारा मिनरल रिसोर्सेज में भी अप्लाई होता है दैट वी कैन रिसाइकल द मेटल सो दैट इट कैन बी यूज. ओके, सो यहाँ पे वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर एक्टिंग एंड ऑल्सो वी शुड ट्राई टू सेव द मिनरल रिसोर्सेज दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा. इन टूडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ मिनरल्स. बहुत सारे यूजेस देखे आप लोगों ने मिनरल्स के. उसके बाद हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में पढ़ा दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व द मिनरल्स एंड ऑल्सो हाउ कैन वी कंजर्व दीज मिनरल्स. ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका बच्चों अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज वो हमने कम्प्लीट कर लिया है. अब हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज द पावर पावर रिसोर्सेज. ओके, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट पावर रिसोर्सेज सोर्स ऑफ पावर दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सर्फेस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.